हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आपको पता होगा जावा एडिशन के अंदर क्लियर कनेक्टेड ग्लास मिलते हैं अपन को, और वो वाले ग्लास कभी कभी मन करता है भाई अपने पॉकेट एडिशन के अंदर भी हो, क्योंकि आपको पता होगा भाई माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े अपन बिल्ड बनाते हैं, उनके अंदर अगर ये क्लियर ग्लास और कनेक्टेड ग्लास रहते हैं तो एकदम अपने ईजी हो जाता है एकदम क्लियर बिल्ड और एकदम मतलब अच्छा लुक देने के लिए अपने बिल्ड को। तो यार, ये वाला मोड मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपने दो ग्लासेज मैंने लगा रखे। इसके अंदर क्या होता है भाई, इस मोड के अंदर अगर आप अपने पुराने मतलब वो मोड इंस्टॉल करने के बाद में अगर आप उसको एक्टिवेट कर लेते हो, अगर आप सोचते हो भाई ये वाला एक्टिवेट करने के बाद में पुराने ग्लास रहेंगे नहीं रहेंगे, तो वो पुराने ग्लास भी रहेंगे। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पर आप जैसे चल जाते हो तो आपके ग्लास वगैरह दिख जाते हैं जो पुराने, और सबसे नीचे आप जैसे चल जाओगे तो यहाँ पर आपके जो भी क्लियर कनेक्टेड ग्लास है वो सारे सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एकदम ईजिली। तो ये अच्छी बात होगी भाई, और यहाँ पर ये भाई मेरे को अच्छा लगा यार, क्योंकि ये वाला मोड भाई अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरीके से इन छोटे छोटे मोड से अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की शान बढ़ती है। तो यार, ये वाली तो एकदम लाइन मस्त सीख है, और यहाँ पर एकदम इजी होगा भाई, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं, आप पे एकदम इजीली यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कि भाई इन वाले ग्लास के अंदर ये बीच की तरफ बॉर्डर आ रही है और ये लाइन आ रही है जो अपन को अच्छी नहीं लग रही दिखने में, पर जैसे इन्हीं ग्लास की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई एकदम सिंपल है, कोई भी लाइन वगैरह नहीं है, तो ये एकदम ईजी रहता है अपने मतलब पहचानने में। हाँ भाई, ये वाले एकदम मतलब प्रोफेशनल टाइप लगते हैं इस वजह से, और भाई ये वाला मोड मेरे को इसलिए अच्छा लगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर दूसरा वाला अगर आप ग्लास कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये वाला ग्लास ही है, तो यहाँ पर दूसरा वाला अगर मैं ग्लास कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिक्कत नहीं होगी, पर ये सेम कलर के साथ मैच नहीं होते, क्योंकि भाई सेम कलर चाहिए होगा, अगर आप सेम कलर के लगाओगे तो यहाँ पर ये लाइन दिखेगी नहीं, पर अगर आप डिफरेंट कलर कर दोगे बीच में तो ये लाइन दिखेगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है इस मोड का। और मैं आपको और भी ग्लास दिखा देता हूँ, ये वाले पैनल वाले ग्लास, ओके पैनल ही कहते होंगे उनको, तो ये ब्लू ले लेता हूँ, यहाँ पर आ गया ब्लू, और ये ब्लू पैनल लेने के बाद मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इनको, एक बार यहाँ पर लगा दिया, और भाई यार लग जाए यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है तेरे, चलो यहाँ पे लग गया। और इसके बाद में ऊपर की तरफ भी इस तरीके से लगा देता हूँ जो अपने कुछ भी दिक्कत नहीं हो, यहाँ पर भी लगा दिया और ये भी लगा दिया। अभी आप देख सकते हो लिटरली भाई एकदम क्लियर अपने ग्लास, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे दिखने में, प्रोफेशनल टाइप अगर आप अपना कोई भी बिल्ड करते हो तो यार ये वाले ग्लास एकदम आपके लिए बेटर रहेंगे। तो चलो यार, अभी अपने चलते हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस की तरफ। और ये वाला मोड कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बता दिया करो, अगर आप कमेंट कर देते हो तो मेरे को आपका फीडबैक का पता चल जाता भाई, आपको ये वाला मोड खराब लग रहा है या अच्छा लग रहा है, तो उससे मेरे को एकदम इजीली पता चल जाता है। तो अभी चलते अपने डाउनलोडिंग प्रोसेस की तरफ। यार, आपको करना क्या होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन मिल जाने वाली इस वाली वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है। जैसे आप इस वाली वेबसाइट के ऊपर आप आ जाते हो तो इसके बाद में नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करते हुए चल जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम मतलब कंपेरिजन टाइप की यहाँ पर क्लियर एंड कनेक्टेड ग्लास अपने किस तरीके से दिखते हैं और किस तरीके से ये अपना डिजाइन निकल के आता है इनका एंड में, तो एकदम ईजिली आप यहाँ पर देख सकते हो रेनबो टाइप में यहाँ पे लगा रखी है, तो एकदम आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आपको क्या कर देना, आ जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो इस तरीके से मतलब ये जो दूसरे दूसरे कलर के जो अपने ग्लास है वो पेयर नहीं होते, या फिर ये बीच की जो लाइन है वो जाती नहीं है, तो आप ये मत सोचना अगर दूसरे ग्लास भी लगा दूंगा तो इस तरीके से ये नहीं होएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो तो एकदम साइड बाई साइड की अगर आप इस खिड़की बना देते हो तो यहाँ पर किस तरीके से अपने ग्लासेज वगैरह लगने वाले, और काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहे। और ये आप देख सकते हो तो ये वाली लाइन आपको दिख जाती है, ये इस तरीके से मतलब मोड़ी हुई दिखती है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो तो एकदम कट के आ रही है, तो ये इसलिए प्रोफेशनल लगते हैं ये वाले ग्लासेस, मेरे को इसलिए अच्छे लगते हैं। तो आपको क्या करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो भी कि यहाँ पर नो मतलब अपने देख सकते हो कि कनेक्टेड ग्लास बिहेवियर पेक V 1.1.1. नो स्क्रिप्ट लेटेस्ट, तो इसको आपको दबा देना है। जैसे आप इसको दबा देते हो इसके बाद में यहाँ पर ग्रीन URL आ रहा होगा, इसको दबा देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो इसके बाद में आपको वेट करना पड़ेगा जब तक नेक्स्ट पेज लोड हो जाता है, और नेक्स्ट पेज लोड होने के बाद में यहाँ पर आप जैसे तो फ्री एक्सेस आ रहा है, तो फ्री एक्सेस को आपको क्या कर देना है, दबा देना है। जैसे आप फ्री एक्सेस को दबा देते हो तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज लोड होएगा, जो पता नहीं मेरा कभी कभी होता नहीं है, मे बी अपने प्रॉब्लम या फिर कोई ग्लिच है इसके अंदर होता है कि आपने मीडिया फायर आ जाएगी, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना एकदम ईजी है भाई, सिंपल। तो यहाँ से एकदम आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर मैं थोड़ा और बेक आ जाता हूँ, और बेक आने के बाद में यहाँ पर आपको क्या कर देना, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए वापस आ जाना है। तो मैं वापस अपनी उसी जगह आ जाता हूँ जहाँ पर अपने पहले था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो अपना बिहेवियर भी हो गया, अभी अपना रिसोर्स पेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टेड ग्लास रिसोर्स पेक V 1.1. तो इसको आपको दबा देना है। जैसे आप इसको दबा देते हो इसके बाद में ग्रीन URL आ रहा होगा, इसको आपको दबा देना है। इसके बाद में वेट करना है जब तक ये लोडिंग होता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज के अंदर कुछ
तरीके से आपका इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करते हुए आ जाना और यहाँ पर फ्री एक्सेस के ऊपर आपको दबा देना है। जैसे फ्री एक्सेस के ऊपर दबा देते हो तो यहाँ पर वेट करना, अपनी मीडिया फायर ओपन हो जाएगी और उस तरीके से उस वाले पेज पर भी होने वाली थी पर पता नहीं क्या ग्लिच हो जाता है। तो गाइज यार अभी अपना यहाँ तक काम खत्म हो गया, इसके बाद में क्या करना आपको अपना जेड अचीवर ओपन करना और वो एकदम इजीली आपको प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा। बस यार जैसे आप अपना जेड अचीवर ओपन कर ले तो इसके बाद में आपको करना क्या होगा, डाउनलोड के अंदर चल जाना। जैसे आप डाउनलोड के अंदर चल जाते हो तो यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो आपको आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टेड ग्लास बिहेवियर पे और कनेक्टेड ग्लास रिसोर्स पे, तो आपको क्या करना है बिहेवियर को आपको दबाए रखना है। इसके बाद में यहाँ पर रीनेम का आएगा तो आपको रीनेम कर देना और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जिप और डोर दिख रहा है इसको आपको हटा देना और इसके बाद में ओके कर देना। जैसे आप इसको ओके कर देते हो तो व्हाइट पेपर के अंदर इसका मतलब लोगो बन के आ जाता है और इसको आप दबाओगे और ओपन करोगे तो आपका माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में लिख के आ गया इंपोर्ट स्टार्टेड फाइल और इंपोर्ट स्टार्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आपका मोड के नेम होएगा वो आ जाएगा। तो आपको पहले एक फाइल को करना, उसके बाद में आपके ये फाइल हो जाती है, उसके बाद में एक आकर आपको इस वाली फाइल को रीनेम करके इस वाली फाइल पर यहाँ पर टेप करके ओपन कर देना। इसके बाद में आपका काम खत्म हो जाएगा और आपको दो ऑप्शन सबसे ऊपर वाले, अपने सात ऑप्शन होते हैं उनमें से आपको सबसे ऊपर वाले दो ऑप्शन छोड़ने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर और बाकी नीचे पांच ऑप्शन से एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले के अंदर वो आपको ऑन कर देने। तो गाइस यार ये सबको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, अगर ये वाली वीडियो पसंद है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आपको नीचे की तरफ आ रहा होगा एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन तो उसको दबा दो और चैनल पर ज्वाइन हो जाओ भाई, अपने मस्त से एक फैमिली बना दो बड़ी सीख। तो यार मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।